छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सीट है जहां से चार कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और चारों वहां से नहीं चुनाव लड़ रहे। दुर्ग की वो सीट है, आपकी पार्टी से भी एक व्यक्ति है जिनको कोरबा भेज दिया गया। ताम्रध्वज साहू महासमुंद चले गए, भूपेश बघेल राजनांदगांव चले गए और एक नया और चेहरा था वो बिलासपुर चला गया। ऐसा आखिर हुआ क्यों है? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति होती है और उस रणनीति से सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी तय करते हैं। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, सरोज पांडे जी हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और राज्यसभा सांसद होने के नाते कोरबा लोकसभा के पालक सांसद के नाते लगातार कोरबा में उनका आना जाना रहा है। कोरबा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के बीच जाकर उन्होंने काम किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे जी को वहां प्रत्याशी बनाया है। पर जहां तक कांग्रेस का बात है तो कांग्रेस की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने मजबूरी में इन स्थानों पर हो क्यों रहा है? आज से 100 दिन पहले तक यही कांग्रेस है जो बता रही थी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हरा रहा है, 100 दिन बाद ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए, कांग्रेस की बातों पर आप भरोसा बिल्कुल मत करिए। ये वही कांग्रेस है जो विधानसभा चुनाव से पहले कहती थी 75 पार 75 पार, पार ही हो गए, वो सत्ता से पार हो गए। तो कांग्रेस के दावों पर आप भरोसा करना बंद कर दें। ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठ बोलने में इनकी मास्टरी है। लोगों को गुमराह कर इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी चलती रही है। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। इनके झूठे दावे, झूठे वादों पर जनता भी नहीं आने वाली है, आप लोग भी ना आए। कांग्रेस के एक नेता हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो गई, उनका नाम दीपक बैज है। आखिर ये हो क्यों रहा है, कहीं खिसकाने की तैयारी तो नहीं है? देखिए, दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष है, लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं और मौजूदा कब तक हैं? अब तो आचार संहिता है चुनावी मैदान में, नए चुनाव तक नई अधिसूचना तक तो सांसद हैं। पर ये सही है कि उनके साथ अन्याय हुआ, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पार्टी ने उन्हें लोकसभा की टिकट नहीं दी, मौजूदा सांसद की टिकट काटा और जो विधायक निर्वाचित हुए हैं उस विधायक को वहां से टिकट दे दिया जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो सही में दीपक बैज के साथ अन्याय हुआ है। सिंपैथी ज्यादा आ रही है, कुछ और तो नहीं चल रहा है? देखिए, जो सच्चाई है आपके सामने है सच्चाई। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको टिकट नहीं मिली लोकसभा की और वैसे प्रत्याशी जो लड़ना नहीं चाहते थे उनको टिकट दी, तो ये तो स्वाभाविक रूप से सबको लग रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है।